सरोकार। इंदिरा मैराथन का होगा आयोजन, डीएम ने दिया प्रेस वार्ता कर जानकारी। अमृत योजना की खुली पोल, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। लोक निर्माण मंत्री पहुंचे श्रावस्ती, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुआ भव्य स्वागत। दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित ने गांव छोड़ने की दी धमकी। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज, सब इंस्पेक्टर पर जबरन संबंध बनाने के लगे आरोप, पुलिस ने मामले दर्ज कर शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी विधानसभा 171 कन्हैया माधवपुर द्वितीय चौपाल में शिरकत की और जन समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र पांडे के द्वारा दिए जा रहे क्षेत्र जन समस्याओं के समाधान एवं विकास कार्यों में सदैव अपना योगदान देते रहने पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास के लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में लेखपाल ने एक व्यक्ति से रिपोर्ट लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगी और इस दौरान उस व्यक्ति ने लेखपाल को रिश्वत देते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। सोशल मीडिया पर यह वायरल कर दी गई। कल दिनांक 16/11/2022 को प्रियांशु नाम का एक लड़का तहरीर दिया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मैं जा रहा था और पंकज त्रिवेदी नाम के एक लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझसे मारपीट की, उसके साथ उसके साथी भी थे। और उससे तहरीर लेकर के उसका कहना ये भी था कि उसने कहा कि मेरे साथ काम करो। अब आगे की तहरीर लेकर के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह का काम करने के लिए दबाव बना? अब वो तो तहरीर लेकर के जाँच का विषय है, जाँच करने के बाद पता लगाया जाएगा। खबर प्रयागराज से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की स्मृति में 19 नवंबर को ऐतिहासिक स्थल आनंद भवन से अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजित की जानी है। मैराथन में भाग लेने प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने मैराथन का आयोजन अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों की जानकारियां जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 37वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 6:30 से प्रारंभ होगी और 42.165 किलोमीटर की यह यात्रा है। साथ में हम लोग एम्बुलेंस और मोबाइल चेक पोस्ट भी रखेंगे और पूरे तरीके सुनिश्चित करेंगे यह सेफ हो। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो 2 लाख रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपया और तृतीय पुरस्कार 75,000 रुपया। इसके अलावा हम 11 लोगों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपया भी देंगे। खबर आए बरेली से, जहां केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सड़कों की खुदाई कर सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू हुआ है, पर 3 साल बीतने के बाद भी योजना पूरी नहीं हुई। स्थानीय निवासियों के शिकायत पर 6 महीने पहले सड़क निर्माण कराया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में लापरवाही सामने आ रही है। वार्ड नंबर 18 में सड़क धंसने से ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को बाहर निकाला और एसडीएम सदर शिखा संखवार ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। यहाँ पे जो है सीवर लाइन डाला गया था निगम सरकारी संस्था के द्वारा, तो उसके बाद जो है आज सुबह एक ट्राली जा रही थी जो ट्राली वो बैठ गई है, तो उसी को सूचना दी गई है नगर पालिका की, सूचना हुई जल निगम भी हुई है, तो संयुक्त टीम मिलकर उसको सही किया जा रहा है।
ये तो क्या कोई दुर्घटना वाला कोई घटना हुई, कोई घायल भी हुआ क्या? नहीं हुई, लेकिन रोड का मामला दुर्घटना हो भी सकती है। खबर श्रावस्ती से, जहां लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद का पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया है। लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने करोड़ों की लागत से बनी 3 सड़कें और एक लघु सेतु का लोकार्पण किया, साथ ही श्रावस्ती जनपद की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए निर्देश भी दिए और उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानकारी भी दी। और आज मुख्य उद्देश्य यहाँ, जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पहले भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनपदों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, विभाग का मानना है युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, और यहाँ आज मैं उसी की समीक्षा के लिए जनपद में आया हूँ। बिंदुवार सभी सड़कों की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहाँ दबंगों ने पुलिस की मिली भगत से एक व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, साथ ही दबंगों ने पीड़िता की खेती करने का विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया पर अभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़िता ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो परिवार के साथ गाँव को छोड़ने की धमकी भी दी। राजस्व टीम द्वारा हमको कब्जा दिलाया गया था तहसीलदार साहब के नेतृत्व में, एसडीएफ साहब का आदेश था, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं सर, लगातार हम पे हमलावर है, जानने की कोशिश करते हैं और हमारे खेत पे आके हमको ही मारते हैं और हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाते हैं। कौन लोग हैं? सर चंद्रपाल वगैरह है, भूप सिंह है, भूप सिंह का लड़का है नितेश, उनकी माता जी हैं। पुलिस कहती है राजस्व का मामला, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खबर फरीदाबाद से, जहां थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और महिला की अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। महिला का पति 2020 में उसके खिलाफ 307 का हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था अपने किसी पड़ोसियों के साथ झगड़े में, और भी आरएन एक्ट की धाराएं थी उसमें, वो बंद था। और इसी बीच जो महिला है उसका सेक्टर 12 में एक जो वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है दूसरे विभाग में, उसके साथ इस संबंध में बातचीत हुई या कभी वो छुड़ाने में मदद करेगा, और इसी दौरान उनकी कुछ दोस्ती जैसी बात हुई है। और अभी महिला ने 2020 के बाद अब आरोप लगाए हैं कि उसके साथ उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। खबर हरदोई से, जहां एक युवक ने सट्टा कारोबार में शामिल होने से इनकार किया तो सट्टा कारोबारियों ने जमकर पिटाई की और मुर्गा बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित युवक ने थाने में मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई करने की जानकारी दी। बहुत दिन से राजू गुप्ता बोल रहे थे कि इस तरह हमारा अच्छी वाला काम करो, तो अन्यस मना कर दिया। अभी शायद 15-20 दिन हो गए हैं, इसके पहले मेरे घर पे अभी आके लो ड्रामा कर रहे थे पकड़ने के लिए, तो वो मीटर सॉल्व हो गया था। फिर हमसे जो इनके भूरा निके थे जो जिनके यहाँ काम करते हैं, उन्होंने हमको इसका घेर लिया। आज बोले इसका काम करोगे नहीं करोगे, ठीक है अर्ची का जो भी है तो वो तो हमें नहीं करेंगे, तो हमको मारा वहाँ पे, वीडियो बनाया, मुर्गा बनाया। खबर कानपुर से, जहां CAA और NRC दंगों के आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, तो वहीं दंगों के आरोपी CO बबुआपुर का स्वागत करते दिखे। आरोपी मालिक ब्रदर्स नाम से गैंग चलाते हैं और वार्ड 80 से पार्षद प्रत्याशी की तैयारी में हैं, फिर भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर फरुखाबाद से, निकाय चुनाव में भारतीय जनता युवक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आशीष प्रताप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान किया है। प्रेस वार्ता आयोजित कर संकल्प पत्र जारी किया। ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित भुगतान, CCTV कैमरे, बारात घर का निर्माण, बच्चों को निःशुल्क कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला देने का ऐलान किया। देखिए अभी कार्रवाई के लिए तो
वो स्वतंत्र है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कार्रवाई के लिए मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रहा हूँ, बस जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जनता के लिए बीजेपी भी लड़ती है, जनता की आवाज़ वो भी उठाती है। कहीं ना कहीं हमारी फर्रुखाबाद की नगर की जो जनता है वो त्रस्त है पिछले 15 सालों से, और मुझे लगता है कि अव्यवस्थाओं में जो है, मैं मुद्दों को लेकर के अपने संकल्प पत्र के साथ में जनता के बीच जा रहा हूँ। और उम्मीदें जो टूटी हैं, मैं उनको, आप भी समझते हैं, जब उम्मीदें टूटती हैं तो कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है। खबर गाजियाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कई राज्यों में PPT मॉडल क्लास की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से छात्रों को बेहतर पानी, अच्छी पढ़ाई, आधुनिक क्लासरूम उपलब्ध कराने की पहल की गई है। शिक्षा विभाग के प्रमुख उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार की एक अभ्युदय योजना है, उसके तहत कुछ विद्यालयों को जिनमें 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उनको डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासेस से सुसज्जित किया जाएगा। और शिक्षा की जो नई तकनीक, शिक्षण कार्य से संबंधित जितनी तकनीकी सुविधाएं हैं वो उनमें दी जाएंगी। खबर गाजियाबाद से, जहां 1800 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने पर प्रदर्शनकारियों का 9वें दिन भी अनशन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि समझौता करने के लिए अभी को अधिकारी कार्रवाइयां नहीं की गई, जिसके चलते सिर मुंडवाकर प्रदर्शन को मजबूर हैं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सर्दी में बिना कपड़े उग्र प्रदर्शन करने की धमकी भी दी। ये हमारा क्रमिक अनशन 9 दिन से चल रहा है लगातार, और ये शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है और प्रशासन हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने सभी ने मुंडन कराया है, और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो आने वाले समय में हम कपड़े उतारने का काम करेंगे, जो कि आगे सर्दियों भरा समय आएगा। और चाहे उसमें हमारा कोई व्यक्ति अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन हम अपनी जमीन को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।